ओमकारेश्वर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व खरगोन विधायक द्वारा सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ कांग्रेस को मजबूत बनाने के उद्देश्य व 2023 में सरकार बनाने के लिए बूथ स्तर पर 100 सदस्य बनाने को लेकर नगर में जनसंपर्क किया गया। कांग्रेस के बाहरी क्षेत्र से आए नेताओं ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर जनसंपर्क किया, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नगर अध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता नदारद रहे। इससे साफ लगता है कि मांधाता में कांग्रेस की गुटबाजी हावी है। ऐसे में कांग्रेस का सपना और लक्ष्य कैसे पूरा होगा, ये सोचने वाली बात है। राइट नाइन न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। बाइट अमिताभ मंडलोई। व्यक्ति परेशान है, हमारे युवा साथी बेरोजगारी से कुछ काम नहीं कर पा रही है, हमारे किसानों को फसलों का नुकसान हो गया है, उसके फसल बीमा राशि के रूप में 100 नए खोली गई। कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो माता बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसी के लिए कमलनाथ जी के निर्देश के अनुसार उमेश पचौरी जी, युवा कांग्रेस के जिला हमारे मोनू भाई यादव बेटे, बहुत संजय पाराशर जी आपकी बार कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के निर्देश के अनुसार आज ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर नगर में घर के अध्यक्ष सदाशिव भवरिया जी, ओंकारेश्वर नगर कांग्रेस के अध्यक्ष उमेश पचौरी जी पूर्व अध्यक्ष हो रहा है घर चलो का, इसके बारे में जो प्रभारी महोदया हैं उनका अभी यहाँ आना बाकी है, और ये आयोजन को पूरी तरह संचालित करने का जो प्रदेश से निर्देश हुआ है उसका पालन खंडवा में नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिलाध्यक्ष नहीं है, पर जल्दी ही वो सब निराकरण हो जाएगा। पर चूंकि इसकी समय सीमा है 30 मार्च तक ये आयोजन पूरा करना है, इसलिए हम अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हमारे द्वारा उसको हम पूरा करें।